छत्तीसगढ़ के बालोद में धान खरीदी शुरू हो गई है। जिला मुख्यालय स्थित गंजपारा कृषि उपज मंडी में मार्केट कमेटी के अधिकारी और व्यापारी सांठ गांठ कर किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं। एक और समर्थन मूल्य में धान लगभग 2500 प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है, वहीं मंडी में लगभग 1500 रुपये में खरीदा जाना साजिश है। तो जहां मजदूरी के काम करने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने मंडी परिसर में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो शौचालय बदहाल मिले, जबकि मंडी पहुंचने वाले किसानों के बैठने के प्रबंध नहीं किए गए। धान बेचने आए ग्राम हीरापुर के किसान नरेंद्र साहू ने बताया कि कृषि उपज मंडी में सप्ताह के दो दिन ही धान लिया जाता है और धान खरीदने मुश्किल से 4 से 5 व्यापारी ही आते हैं। व्यापारियों की मिली भगत से हमें धान का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। वहीं शकुन ठाकुर महिला श्रमिक ने बताया कि एक ही पुरानी शौचालय है जिसमें महिला पुरुष दोनों इस्तेमाल करते हैं, दरवाजा भी नीचे से टूटा हुआ है, जाने में शर्म आती है। सरना का सरना आया है 1500 से 1551 रुपये तक के बिका है और मोटा नया 1551 रुपये बिका है, 1550 रुपये बिका है। महामाया नया 1566 रुपये बिका है और 60 रुपये बिका है। मैंने खर्चा के जो रेजा है माल का 5-6 रुपये का आसपास पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तुरंत काटा होता है। यहाँ जो व्यापारी आते हैं मुश्किल से 5 व्यापारी आते हैं, 2 व्यापारी पूरा धान खरीदता है, इससे किसान को बहुत नुकसान है। माने सब मिली भगत होकर आज तुमको खरीदना है, कल मेरे को खरीदना है, ऐसे कर सभी व्यापारी लोग यहाँ नहीं खरीदते आकर धान, जिससे माने धान का जो मूल्य है वो वृद्धि नहीं हो पा रहे। सरकार को यहाँ पे जो समर्थन मूल्य है उसके आधार पर निर्धारित करना चाहिए और यहाँ का जो सुविधाएं हैं उसका भी ध्यान देना चाहिए।